नमस्कार दोस्तों, आप सबको गणपति की बहुत बहुत मुबारक। गणपति घर में विराजे हो तो मोदक ना हो, अरे मोदक ना हो तो गणपति नहीं खुश और बच्चे भी नहीं खुश। बहुत फरमाइश आ रही थी कि मैम आप गणपति पे हमें मोदक बनाना सिखाइए। तो बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, दोस्तों की यानी कि बड़े बूढ़े बच्चों सबकी फरमाइश है। तो आज मैं सबसे पहले बच्चों के लिए मोदक बना के दिखाऊंगी, ताकि यानी कि आप सोचिए गणपति भी खुश और हमारे बाल बच्चे जो गणपति का ही रूप होंगे वो भी खुश। तो लीजिए मैं कैसे बनाऊंगी झटपट वाले मोदक, जिसके लिए मैंने लिए हैं पार्ले जी बिस्किट। पार्ले जी बिस्किट मैंने ये कम से कम 20-22 बिस्किट है, जिनको मैंने मिक्सी में क्रश करके पाउडर का रूप दे दिया है। और बच्चों के पसंद को ध्यान रखते हुए मैं ले रही हूँ ये जिसमें वेफर्स वाली चॉकलेट, यानी कि आप मंच ले सकते हैं, पर्क ले सकते हैं, उसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर लिया है। और बच्चों के मनपसंद यानी कि टॉफीज जो उन्हें बहुत भाएगी, ये वाली टॉफीज को मैंने क्रश किया है, जो मैं फिलिंग के समय इस्तेमाल करने वाली हूँ। मेलोडी जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, आप एक्लेयर है, कॉफ़ी बाइट्स है, और बहुत ही मज़ा आएगा जब बच्चों को पान पसंद क्रश करके यानी कि पान पसंद वाली टॉफी क्रश करके इसमें फिलिंग के लिए करेंगे। और मैंने थोड़ी सी जेली जो छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे गोल गोल काट ली है, ड्रेसिंग के लिए थोड़े से मैंने कलर्ड टाइनी टाइनी बॉल्स लिए हैं, वो बाद में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लग रहे हैं। आइए शुरू करते हैं कैसे। हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई, बाय नीट करने के लिए मैंने मिल्क मेड लिया है, जिसे मैं इस बिस्किट के जो पाउडर तैयार किया हुआ है मैंने उसे नीट करेंगे। झटपट चीनी की जरा सी देर में बनने के लिए तैयार हैं बच्चों की मनपसंद मोदक। हम इस पाउडर में उतना ही मिल्क मेड इस्तेमाल करेंगे जिससे कि ये गूंधा जा सके। आप इसमें, अगर आपके पास मिल्क मेड ना हो तो आप इसमें थोड़ी सी पाउडर चीनी और दूध या थोड़ी सी घर की बनी हुई क्रीम होती है उसे आप इस्तेमाल करें तो भी आपका वही होगा। मैं वही चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ जो आपके पास घर में अवेलेबल हो। ये ना हो कि हमें बाज़ार दौड़ना है, अरे आंटी ये नहीं मिल रहा, मैम ये नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिल्क मेड डालेंगे ताकि हमें ये पता लगे। एक हिसाब से इकट्ठा डाल देते हैं तो कई बार होता है कि पतला हो जाएगा, तो हम उतना ही डालेंगे जितना ये हमें इसका डो अच्छे से तैयार हो जाए। मैंने इस डो को अच्छे से तैयार कर लिया है। इसे तैयार करने में मेरे 3 से 4 चम्मच मिल्क मेड के इस्तेमाल हुए हैं। आइए अब इसे कैसे मोदक के रूप में बदलते हैं देखते हैं। यहाँ मैंने, आप जितने बड़े साइज के मोदक बनाना चाहें उसी साइज के हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। मैं सोच रही हूँ इतने बड़े बनाऊं तो इसको देखिए कितने भागों में बटता है। छह बॉल्स बनाई है मैंने। अब इसको हथेली की ही सहायता से हम फैलाएंगे जैसे आप देख रहे हैं मुझे। कोशिश ये करेंगे कि बाहर की तरफ अपनी उंगली और इस अंगूठे का प्रेशर देते हुए पतला कर दें। तैयार हो गया। इसे हमने हथेली में यूं रखा, आप देख रहे हैं। अब इसमें हम फिलिंग पहले देते हैं क्रंचीज वेफर वाली चॉकलेट की। इसमें मैंने रखा है
ये थोड़ा सा ऐसी टॉफी जो मैंने आपको पहले बताई, जिसमें कि बच्चे खाएं तो दांत में कर कर बोलता है, तो बहुत मजा आने वाला उनको। इसमें मैंने चॉकलेट वाली थोड़ी सी टॉफी दिखी। जरूरी नहीं है कि जो मैं डाल रही हूँ वही आप डालिए, फिलिंग आप अपनी मर्जी से कर सकती हैं। और इसी में मैं एक जेली वाली टॉफी इसमें डालने वाली हूँ। अब इनको मैंने लिया और इसको हाथ से चुटकी भर भर के, यानी कि चुटकियों की सहायता से ये शेप देनी है मुझे। आप हाथ को साफ कर सकती हैं ताकि और भी सफाई आएगी। मैं आपको एक दो बना के दिखाऊंगी। देखा आपने, अब आपको मैं ये शेप दिखाऊं, ऐसी शेप तैयार हुई है। अब इन शेप्स को, हर चुटकी वाली शेप को ऐसे पकड़ते हुए, आपके पास यदि मोदक का मोल्ड हो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं इस तरह से। और अब हमें इनको थोड़ा सा ऊंचा उठाते हुए एक मोदक की शेप दे देनी है। और देखा, तैयार हो गया। छोटे छोटे बॉल्स मैंने जो कलर्ड लिए थे, आप इनको पूरा भी भर सकती हैं, थोड़ा सा भी लगा सकती हैं। और ये देखिए मोदक तैयार। चलिए अब एक और मोदक बना के मैं दिखाती हूँ, फिर इसी प्रकार से हम सब मोदक तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा प्रेशर देते हुए हम इस डो को मुलायम करते जाते हैं। देखिए इस बार मैं थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा कर रही हूँ इस लोई को, यानी कि जो बॉल लिया था मैंने। जैसे आपको सुविधा लगे आप उसी तरीके से। अब इसको हम साइड्स में पतला करेंगे, अपनी अंगूठी, अंगूठे और उंगलियों की सहायता से इसको थोड़ा सा ऐसे किया। इसमें मैंने भरी थोड़ी सी वेफर्स वाली चॉकलेट। जेली की साथ मिलाया, थोड़ा सा यहाँ से अपनी पांच उंगलियों का अंगूठे सहित इस्तेमाल किया और आप सिल्वर बॉल्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लीजिए इसी तरीके से हम सारे मोदक तैयार कर लेंगे। लीजिए मैंने पूरे मोदक तैयार कर दिए। ये तैयार हैं ये मोदक बप्पा को भोग लगाने के लिए। बप्पा भोग लगाए, उसके बाद ये बच्चे भोग लगाएंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपनी पसंद की कोई भी डिश मुझे फरमाइश कीजिए, मतलब कि उसका भी वीडियो बना के आप तक पहुँचा सकूँ। नमस्कार।